वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। सो अगे हुण आपां पंजां बाणियां दे विचों जो चार बाणियां दा सटीक श्रवण कीता नितनेम, पंजवीं बाणी श्री आनंद साहिब धन गुरु अमरदास साहिब महाराज की पावन बाणी जो अमृत वेले दे नितनेम विच पंजवीं बाणी है। सो जिन्हां पंजां बाणियां नूं पढ़ के पंज प्यारे अमृत तैयार करदे हन, सो आओ सतगुरु बख्शिश कर रहे हन पावन बाणी श्री आनंद साहिब। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम कली राग दे च धन गुरु अमरदास साहिब तीसरे पातशाह, सो आनंद जो बाणी दा नाम है, आनंद जो खुशियां दे देण वाली है, सो सतगुरु महाराज ये बाणी बख्शिश कर रहे हैं। जीवन मुक्ति दे देण वास्ते आनंद साहिब की रचना की गुरु साहब जी ने। एक ओंकार, ओंकार जो केवल इको एक है, सतगुरु की प्रसाद भाव कृपा द्वारा वो प्राप्ति है। सो क्योंकि गुरु की कृपा ही वो प्राप्ति का वसीला है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। हे मेरे माता पिता रूप संत जनों, भाव सत्कार योग महापुरशो, मैं दरगाही विचोले सच्चे सतगुरु महाराज नूं प्राप्त किया है, तो सतगुरु की कृपा नाल मैनू परमेश्वर मिलाप का आनंद प्राप्त होया। सो सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। सहज सेती हुंदा शांति धीरज नाल सेवा सिमरन करदियां। अरदास अते जोदड़ी करदियां असीं सच्चे सतगुरु नूं प्राप्त कीता जो कि ज्ञान संयुक्त सतगुरु हन। सहज तो भाव ज्ञान भी है, सहजे ही प्राप्त कर लिया सेवा द्वारा। सो उन्हां दे मिलन तो मन विच वाधाइयां, वाहवे नूं कन्ना ला के तदे नूं कन्ना वाधाइयां, वाधाइयां हुंदियां मन दे अंदर खुशियां दे नाल, मन ने छालां मारनियां, बहुत खुश हो जाना, बेअंत खुश होना, वज्जियां तो भाव प्रगट हो रहियां हन। राग रतन परवार परिया शब्द गा बने आईया। हुण खुशी भरे समय विच कहिंदे ने राग जिहड़े मुख छे राग ने, सो इस प्रकार भाग तो भाव रतन रागां दे पुत्तर ते उन्हां दीआं जिहड़ियां परियां रागणियां समेत सारा परिवार शब्द तो भाव गुरबाणी का कीर्तन करन वास्ते आया। सारा परिवार ही आया, राग रतन इस प्रकार राग ते रतन रूप परिवार नूं नाल लै के परियां जिहड़ियां पछरां ने आनंद कारज नाल संबंधित गुरबाणी दे शब्द गाउण वास्ते आईआं हन। शब्दो ता गावहो हरी केरा मन जिन्नी वसाया। जिन्ना राग रागणियां ने अपने मन विच अकाल पुरख का जस अते नाम वसाया, उन्हां नाल रल के तुसीं भी उस पति अकाल पुरख का शब्दो तो भाव गुरबाणी द्वारा कीर्तन करो। अथवा जिन्हां महापुरखां ने अपने हिरदे च नाम वसाया उन्हां दे नाल मिल के तुसीं भी नाम कीर्तन करो। कहै नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। धन गुरु अमरदास साहिब महाराज तीसरे गुरु नानक देव जी बचन फरमाउंदे हन कि मैनू वाहिगुरु प्राप्ति का आनंद प्राप्त होया, आनंद होआ, क्योंकि मैं दरगाही विचोला जो है हर दरगाह कह बैसीठ सच्चे सतगुरु नूं प्राप्त कर लिया। मैनू तां हुण पूर्ण आनंद आ गया क्योंकि मैं हुण अपने सतगुरु नूं प्राप्त कर लिया। गुरु अंगद देव महाराज की प्राप्ति सदका अकाल पुरख की प्राप्ति हो गई है। सो साध संगत जी, ये पावन बाणी जो सत बाणियां सटीक हैं आप श्रवण करन जा रहे हो, सो संगतां पूर्ण लाभ लै सकण इस करके सरल अर्थां दे विच ये बाणी महाराज की सटीक बाणी उच्चारण की है, ताकि बच्चे भी लाहा लै सकण, चाहे अनपढ़ बंदा भी सुने वह भी लाहा लै सके। जिन्हां ने हले नवा नवा अमर छकिया जां पंजां बाणी नितनेम शुरू किया, रह रास कीर्तन सोलह पढ़न लगे ने, ये उन्हां सारे माई भाई लई पावन बाणी गुरबाणी उपदेश .org तो सारियां संगतां वास्ते
प्रसारित की जा रही है। इस बाणी नूं कोई भी डाउनलोड कर सकदा ते अगे जिन्ना हो सके ज़्यादा तो ज़्यादा हर एक गुरसिख माई भाई दे घर पहुँचाउण दा उपराला संगत ने करना है। देश दे विच हिंदुस्तान दे विच पंजाब भर दे विच जिथे जिथे भी आप दे मित्र दोस्त रिश्तेदार संबंधी रहिंदे होण सारिया थावां दे उत्ते इह गुरबाणी जो स्टीक आपां ने सारिया बाणियां भरिया ने आप दे कोल जो MP3 CD आई है इहदे राहीं सिख संगतां नूं गुरु का ज्ञान बख्शिश होवे यही साड़ी कामना है। सो सारे गुरबाणी उपदेश .org वालों सारिया संगतां नूं निम्रतापूर्वक बेनती है कि आप जपो दूसरे नूं नाम जपाओ यही गुरबाणी उपदेश है गुरु नानक देव जी का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।